ड्रग के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ऊना पुलिस ने कमर कसते हुए ऊना पुलिस ने चंडीगढ़ से ऊना पहुंच रही अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ कर शराब माफिया की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर हजारों लीटर शराब सहित इनोवा गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जिला ऊना में शराब माफिया इतना सक्रिय हो चुका है कि अब वह खुलेआम शराब की तस्करी कर रहा है। ऊना पुलिस ने सूचना के आधार पर चंडीगढ़ से ऊना आ रही अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हिमाचल पंजाब सीमा पर नाके के दौरान एक इनोवा गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में इंग्लिश और देसी शराब की पेटियां मिली जो कि हजारों लीटर शराब है। पुलिस ने शराब और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और चालक को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है ताकि बड़ी मछली को पकड़ा जा सके। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है जो माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कर रही है। हमें गुप्त सूचना थी, हमने अभियान चला रखा है नशीले पदार्थों के प्रति, तो हमें गुप्त सूचना थी कि एक चंडीगढ़ से की तरफ से एक शराब आती है, तो रात को हमने नाका लगाया था भटोली में। तो जैसे ही हमने वहाँ ये गाड़ी आई PB12Y183, तो इस ये पुलिस पार्टी को देखो, इसका चालक जो था वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। जब इस गाड़ी को चेक किया तो इसके अंदर कुल 48 पेटियाँ शराब, जिनमें 45 संतरा है देसी, 2 मैकडोबल की है और 9 बोतलें किंग्स गोल्ड की है, बिस्की की, ये पकड़ी गई है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है।